है और ये मेरी दीदी के सासू माँ है। तो अब मैं मिलवाती हूँ दूल्हे राजा से, जिनका बात नहीं है 8 साल हो गए रिलेशन के, तो रिलेशन स्टार्ट वैसे हुआ था एक दूसरे को रिस्पेक्ट। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, मैं 3 दिन से सोच रही हूँ कैसे बताऊँ। कहीं नहीं कहीं कटा वाला सलाम, कटा वाला सलाम, सलाम ऊपर बाबा ढोलाला ऊपर दोनों। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वंशिता। तो आज बहुत टाइम बाद मैं छत से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लगे भी क्यों ना, वो होता है ना कि अच्छा लग रहा है बस ऐसे ही। और आज है तिलक, तो आज पूरा दिन इतना मौज मस्ती में जाने वाला है। और मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा होने वाला है कि मैं ड्रेस को कैसे मैनेज करूँगी और मैं क्या पहनूंगी, दीदी क्या पहनेगी, गुंजन क्या पहनेगी, हम लोग कैसे लगने वाले हैं। और बहुत टाइम बाद, जैसे मैंने इसके आगे वाले ब्लॉग में बताया कि बहुत टाइम बाद मैं शादी को ही अटेंड करने जा रही हूँ, तो फन होगा बहुत ज़्यादा। तो बस, और बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट किया, मैं अभी जस्ट कमेंट आप लोग को पढ़ी थी, आप लोग को रिप्लाई कर रही थी कि आपके पास बहुत सारा कॉन्टेंट है शादी है जैसे घर पर, तो आप हम लोग को डेली ब्लॉग देना। तो मैं डेली शूट करूँगी, बट डेली ब्लॉग को अपलोड करना आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज मैं इतना शादी वादी के चक्कर में ना, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं फंसी रह जाऊँ और एडिट ना कर पाऊँ कि रात रात तक घर आएंगे, और घर आएंगे भी कि नहीं पता मेरे को, तो डोंट नो कि रोज़ अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी रोज़ अपलोड कर पाऊँ, बट बने रहना साथ में, इंतज़ार करना ब्लॉग्स का। तो यहाँ पे दीदी बोली मेरे को फोटो दिखाओ, तो मैं वीडियो ही कर दे रही हूँ आप लोग के लिए भी। दीदी अब तुम्हें हेयर अच्छा लग रहा है, कल जो अजीब सा हो गया था ना तुम्हारा बीच बीच में कलर्स वगैरह, अभी तुम मस्त लग रही हो, अभी शैम्पू करके आई हो ना, आदमी जैसी लग रही हो पूरा, सच में अच्छा लग रहा है। तो अब दीदी खुश है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश है, उसका हो गया सब अच्छे तरीके से, अच्छा लगा ना तुमको। हाँ, और मतलब आप लोग मेरे वीडियोस में देखिए, मैंने थैंक्स टू मी एंड गुंजन, मी एंड गुंजन, हम दोनों ने कल रात को दीदी को रोना निकल रहा था, मतलब सारा रो नहीं पा रहे, बट फिर भी रो दे रही थी। आ गई मम्मी, आ गई, दिक्कत अच्छी ना आई है ना, हालत मंद शैम्पू करके मतलब हमारा मत दिखाइया, नहीं दिखा रहे थे, कपड़ा डालो आप और सिल्क कैसे लगा दो मम्मी दीदी को, मम्मी को लगा दो, दीदी उल्टा पुल्टा हो रहा है। बस ये रहा मेरा हेयर का अपडेट, और अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, ये खुश तो हम लोग खुश, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब खुश हूँ मैं। तो दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, कि बहुत ताजा और अच्छा कुछ अच्छा आने वाला है। बस मैं बता रही हूँ आप लोग आज का डेट क्या है, 4th है, आप लोग 6 तारीख का वेट करो, मैं 6 तारीख तक ये वीडियोस डालने वाली हूँ, ठीक है, वेट एंड वॉच। जब दीदी और, अपने और लाइव भी जाने वाली, ये सब मैं अपने में बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो आप दीदी के चैनल सब्सक्राइब कर लो, और दीदी जब बता देगी तो मैं भी अपडेट कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से सब कुछ बताना जरूरी है। तो चलती हूँ अभी, सारा जल्दी काम करते हैं, वरना देरी हो जाएगा ना, तो पकड़ के हम लोग मार खाएंगे तीनों की तीनों। तो चलते हैं नीचे। सो गाइस, मैं रेडी होना स्टार्ट कर चुकी हूँ, थोड़ा सा बेस किया है अभी तक, और हेयर्स करना बाकी है, अभी ड्रेस पहनना बाकी, सब कुछ ही बाकी है। मैं बस फेस पे थोड़ा ध्यान दे रही थी कि फेस को थोड़ा सा निखार लेते हैं, और मैंने हाथ में नेल पॉलिश लगाया है, जो कि मेरा नेल्स अभी इतना छोटे छोटे, पहले पता है मैं नेल्स बहुत लंबे लंबे रखती थी, जो लोग मेरे फ्रेंड्स उनको पता होगा ये बात, बट अब छोटे छोटे रखती हूँ, ऐसा होता है ना कि कहाँ ही जाना है, क्या ही करूँगी नेल्स को बड़ा करके। तो कोई ना, अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और सबको दिखाऊंगी, सब लोग रेडी हो रहे हैं और इतना हड़बड़ी हो रहा है ना कि यार ये करना है वो करना है, मम्मी को भी रेडी करना है, तो बहुत सारा काम है, सब कुछ कंप्लीट करके हम लोग आपसे मिलेंगे। सो गाइज, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, लिपस्टिक लगाना बाकी है, आईलाइनर लगाना बाकी है, एंड आई हैव वेयर अ गाउन, मैंने गाउन पहना हुआ है, तो और मेरे इयररिंग्स देखो आप लोग, आई थिंक मैं ठीक ही ठाक लग रही हूँ, थोड़ा सा मेरे को ना हेवी हेवी फील हो रहा है बिकॉज मैं चल नहीं पा रही ढंग से, बट शादी वादी का माहौल है एंड मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मतलब उनके घर जा चुकी हूँ बहुत बार, बट सब ने मुझे नहीं देखा है, तो आज मुझे फर्स्ट टाइम सब देखेंगे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ेगा। जो करना था मैंने कर चुकी हूँ, और इस ड्रेस को पहने में इतना तकलीफ हुआ ना मुझे, इसको फिटिंग्स करना पड़े बैठ के, बिकॉज मैंने जब इसको ट्राई किया था तो मेरे पर फिट आ रहा था, अभी थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, कि थोड़ा सा पतली हो चुकी हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ़ैन चलाना ही पड़ेगा। चलते हैं, अभी फैन यहाँ बंद करते हैं, चलते हैं, सबको दिखाते सब क्या कर रहे हैं। हेलो मम्मा, रेडी हो, हम कैसे लग रहे हैं? अभी हमारा भी बाकी है। क्या बाकी है आपका? लिपस्टिक लगाना बाकी है मेरा, लिपस्टिक लगाना बाकी है, तब उसके बाद निकलेंगे। ऐसे लग रहे हो थक गए हो?
दुल्हन तो आप ही लग रहे हो, दुल्हन तो आप ही लग रहे हो। हमको नींद लग रहा है, समझी ना, हम अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे दीदी क्या कर रही है, ओह माय गॉड, घर का भंगार बन गया है पूरा। तो दीदी यहाँ पे गुंजना को रेडी कर रही है। नहीं, मैं पूरा रेडी हूँ, मैंने दीदी को सपोर्ट किया रेडी होने में। थोड़ा सा गुंजना आप लोग जरूर ब्लश लगा। ओह वाओ, गुंजना तुम अच्छी लग रही हो। अब पता है इस हेयर स्टाइल के बारे में बताऊं, गलती से ऐसे पिनअप किया। हाँ, गुंजना गलती से ना इरिटेट होकर पिनअप कर रही थी, अच्छे से उसका हो गया। और दीदी ने भी गाउन पहना हुआ है, और गुंजना ने पहना है लॉन्ग सूट। दीदी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, दीदी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, दीदी अपना ब्लॉग भी नहीं बना पा रही है ढंग से। देखने के लिए तो आप उसके ब्लॉग में जरूर देखिएगा उसको। यस, ठीक है, अच्छी लग रही है। मम्मी को टोटल हल्ला है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, और पापा थोड़ा सा हो गया गुस्सा, लेट हो चुका है, तो हम लोग निकलते जल्दी। थोड़ा सा पता ना आदमी का होता है कि अरे लेट हो रहा है, जल्दी निकलो, सब पहुँच गया होगा। यस, चलो टोटो लेके आओ। तो हम लोग निकलते हैं, एंड जो सन का धूप पड़ रहा है ना, मतलब धूप पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं, सब लोग उतरेगा। दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोल रही है, सब लोग आएगा। चलो उतरो गुंजन। हनुमान जी है, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं इनका नाम और इनका फोटो देख के हमेशा ओटी में जाती थी, एंड बस हो गया, अब घर में घुसते हैं। हनुमान जी को दिखा दिए सबको, छोड़ दीजिए पापा संभाल लेंगे, छोड़ो तुम्हें, छोड़ दो आराम से। पधारी पधारी तो पाँच बजे आने वाले थे, ऑटो जल्दी मिलूंगा। ये मेरी दीदी का ससुराल है, और ये मेरी दीदी के सासू माँ है, होने वाली हुई नहीं है अभी तक, होने वाली। और ये है मतलब ससुर जी। हाँ, ये आज पहली बार अपने ब्लॉग में हम अंकल आंटी को ले रहे हैं, हम नर्वस हो गए हैं बोलते बोलते। तो समझी समझन जो मिल लिया लोग, और मैं भी मिल ली, और आप सब लोग मिल लिए, तो बताना कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। वैसे आंटी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। अंकल तो एज यूजुअल हैंडसम लग रहे हैं। तो अब मैं मिलवाती हूँ दूल्हे राजा से, जिनका तिलक है आज, और शादी भी बहुत जल्द होने वाला है। ये खुली है भैया, ये है दूल्हे राजा। हेलो, हाय एवरीवन, ये हमारे दूल्हे। अच्छा, मैं अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि ये कौन है, दीदी के कौन लगते हैं, और ये मेरे भैया नहीं, दीदी के भाई लगते हैं, ब्रदर इन लॉ लगते हैं। मतलब एकदम अच्छे तरीके से खड़े करके सबको बताना पड़ेगा ना। अच्छा, बैठे बैठे तो सब आते हैं, भैया आते हैं, राहुल भैया आते हैं, तो फिर मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं, और अब सब लोग नहीं आया है, अभी पूरा ही खाली है। वैसे हम लोग आ चुके हैं, तो दीदी अभी माँ को रेडी करी, माँ मतलब दीदी की सास मतलब मदर इन लॉ को रेडी कर रही है। तो आज मेरे ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम अंकल आंटी को मैंने दिखाया है, और आंटी बहुत स्वीट है, आप लोग मतलब बहुत स्वीट है। और गुंजन यहाँ पे पूरा एकदम कैप्चर कर रही है दीदी के लिए, पूरा ब्लॉग शूट कर रही है, क्योंकि दीदी गुंजन को जिम्मेदारी मिला है कि पूरा ब्लॉग शूट करना है, बनता भी है। दीदी दीदी यहाँ पे आती है ना, इतना बिजी हो जाती है ना सबको तैयार करने में, तो एकदम जैसे घर पे हम लोग के लिए करती है, वैसे यहाँ पे आके सबके लिए करती है। तो अभी दूल्हे राजा भी रेडी हो रहे हैं, अभी तुरंत नहा के निकले हैं, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटो क्लिक करवा लेती हूँ, फिर आप लोग समझती है ना, आप एकदम ऐसे लग रहे हो। आइए राहुल भैया ब्लॉग में, बहुत लोग इनका इनका माँ है। अब गुंजन यहाँ पे क्लिप्स ले रही है। तो ये दीदी है, ये जीजा जी है, राहुल भैया जीजा जी है। सब लोग पूछते हैं कि भैया क्यों बोलती हूँ, बिकॉज मैं पहले से भैया बोलती हूँ, तो वो अपना वो जीजा जी नहीं आता। नॉर्मल बात नहीं है, 8 साल हो गए रिलेशन के, तो रिलेशन स्टार्ट वैसे हुआ था, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे भैया बहन वैसे। तो अभी वो जीजा जी नहीं निकलता है, कभी ऐसा टाइम आएगा शादी हो जाएगा तो मेरे को लगेगा तो मैं जीजा जी, क्योंकि ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टिकने वाला है 8 साल हो गए।
तो वो टर्म्स एंड कंडीशन स्टिल अप्लाई हो रहा है, बाकी रिश्ता बदल गया है, टिक गया है। तो भैया आर्मी में इसलिए आप लोग कभी कभी दिखते हैं, ये फर्स्ट टाइम है मैं ब्लॉग में दिखा रही हूँ, अंकल आंटी सबको दिखाया है, और भैया के जो भैया है उनका शादी हो रहा है तो और हमारा एंगेजमेंट हो रहा है। मैं ऐसे हाँ, ये बता रही हूं, मैं ये बहुत शॉकिंग न्यूज है, ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। मैं 3 दिन से सोच रही कैसे बताऊं, कब बताऊं, बट ये अचानक से तय हुआ भैया का था कि एंगेजमेंट कर लेते हैं, जिस दिन भैया का रिसेप्शन होगा उस दिन इन भैया का एंगेजमेंट और मेरी दीदी का एंगेजमेंट होगा। इसीलिए दीदी ने अपना लहंगा खरीदा, दीदी का लहंगा बहुत सुंदर है। दीदी के ब्लॉग को जाके फॉलो करो, मतलब दीदी सब्सक्राइब करो, और सारे मतलब मेरे ब्लॉग से ज्यादा कुछ आपके दीदी के ब्लॉग मिलने वाला है, आप लोग जल्दी से फॉलो करो मुझे। स्टे ट्यून्ड, बाय एवरीवन। भैया इज रेडी और भैया बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, हैंडसम है। दीदी ने मेकअप भी किया भैया का, थोड़ा सा ब्लश लगाया, थोड़ा सा क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, और भाभी देख के, और भाभी को वीडियो कॉल नहीं करना है अभी आपको, लिपस्टिक नहीं, थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का लगा दी, क्यों रेड लगा, जिससे वजह से रेड लगा, यस लिप टिंट बोलते हैं, अरे रेड रेड जिस तरह थोड़ा सा ये, हाँ थोड़ा सा काला काला ना लगे, गलत मत समझिएगा, भैया को समझ नहीं आता हूँ मेकअप क्या है। हाँ भैया को मेकअप का नहीं पता, पर भैया को मेरे को सुंदर बना दो जल्दी से, वैसे भैया सुंदर तो है ही, तो ठीक है। अभी जब ऊपर तिलक के लिए भैया जा रहे हैं, मिलते हैं। जाके थोड़ा सा आवाज लोगों को कम हुआ कि मेरे को थोड़ा सा ब्लॉग लेने का टाइम, जो ऐसे ही आ गई उठ के, हाँ इसको बोलते क्रेज, एंजॉयमेंट इतना क्रेज है कि बस उठ के आ जाओ कैसे भी लगो। आज बैठे थे ऐसे फोन चला रही थी बैठ के, गुंजन के लिए पार्टनर मिल गई, क्राइम पार्टनर मिल गई है कि वो थोड़ा सा एंजॉय कर सके, बट आई एम अलोन हियर। और ये लोग तब से तक गंदा गंदा मतलब गीत में ना गाली देते हैं लोग, ठीक है तो बिहारी में ऐसा होता ही है, तो दे रहे हैं ना, गंदा गंदा बहुत गंदा, किसी को नहीं छोड़, भाई बहन किसी को नहीं, किसी को नहीं छोड़ रहे लोग जो भी, बट मस्ती आ रहा है हम लोग को, मजा आ रहा है। हम लोग का फोटोशूट ढंग से हुआ नहीं, कैमरामैन फोकस नहीं कर रहे हैं, लड़कों का स्टार्ट हो गया, बॉयज लोगों का स्टार्ट हो गया और हम लोग का हो ही नहीं रहा, हम लोग यहाँ पे पीछे खड़े हुए हैं। दीदी का फेस देखकर स्माइल करते करते ना स्माइल रुक गया, सामने बैठ कर ना कैमरामैन सबसे दीदी में फोकस किया हुआ है, और हम मेरे गुंजन को ना फोकस नहीं था, कैमरामैन को बताना पड़ेगा, हम लोग भी है थोड़ा सा, ये लोगों का डन हो गया, अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग करेंगे। सो पूजा वूजा हो चुका है और यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट सब लोग का, जिसका शादी से खबर ही नहीं है यहाँ पे सब फोटो ले रहा है। वो या फिर जो पहले से थे वो, रुको एक मिनट, गाइस ये बहुत ज्यादा है, एक सेकंड रुक जाओ गुंजन, इसका जो कपड़ा है ना वो उसमें ना बहुत ज्यादा ग्लिटर है, ठीक है इसको अगर हम ऐसे टच करेंगे ना तो ये मेरा जो कपड़ा है ना, दिख रहा है वो शायद नहीं दिख रहा है, पूरा ग्लिटर हाथ में आ गया, मैं दिखाती हूँ, मैं बोली मैं ना फोटोशूट करवा रही तो पिंकी दी का मतलब ऐसे कमर पकड़ के, मैं बोली ना इतना प्यार मेरे को ये घाटा मिल रहा है, पूरा हाथ ग्लिटर। अच्छा ये जो मेरा कपड़ा है ना, ये शादी नहीं किसके लिए,
रिसेप्शन के लिए था, ठीक है, रिसेप्शन नहीं शादी के लिए, शादी के लिए था, बट अचानक से क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया ब्लॉग में कि दीदी का इंगेजमेंट फिक्स हो गया, तो इसीलिए हम मेरे को ये वाला अभी मैंने पहन लिया, और शादी के लिए कुछ और है, शादी के लिए भी और इंगेजमेंट के लिए कुछ और है, तो कपड़ा को अदला बदली करना पड़ा हम पता है। और बहुत थक गए बहुत ज़्यादा, अब मैं बैठूंगी यहाँ पे, लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी थोड़ा देर, बहुत थक गई हूँ मैं, ऊपर बैठे बैठे ना थक गई हूँ। तो गाइज हम लोग खाना खाएंगे अब, बिकॉज बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, खाना आ गया दे दिया। और राहुल भैया इतने अच्छे हैं कि मतलब उनको क्या बोला था, हाँ ऐसा जीजा पा के हम लोग का भाग्य खुल गया। मतलब बात है ना कि मेरे पैर में दर्द, राहुल भैया ने बोला कि तुमको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ना बाहर से निकलने की, तुम बैठो मैं ला के दे रहा हूँ सारा खाना, तुम खाओ बैठ के, बहुत अच्छे यम यम खाना। और मैं खाने जा रही हूँ, अब मेरे वो सब्र मतलब सब्र नहीं कर सकती, बहुत भूख लगा है, तो भूख लगा खा लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। निकल रहे हैं यहाँ से, बाय आंटी, बाय, निकल रहे, बहुत टाइम हो गया, 11 बज गया, गुंजन 11 बज गया, चलो मम्मी इज गेटिंग रेडी निकलने के लिए, और सब लोग निकल रहे हैं, निकलते हैं हम लोग, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और हनुमान जी को बाय बाय बोलते हैं, यहाँ से घुसे थे तो हनुमान जी को हाय बोल के घुसे थे, तो बाय बोल के निकलते हैं, हम लोग आएंगे। बाय बाय, हम लोग का शक्ल देख के पता चल रहा है कितना ज्यादा थक गए थे कल रात को, ऐसे हम लोग सच कहें हम लोग का आदत नहीं है अब शादी में जाने का, कितना टाइम बाद हम लोग शादी में जा रहे हैं, आई थिंक कब पता है कब गए थे, तुम्हारे एक्सीडेंट के पहले गए थे, कल रात को ना मैं ऐसे ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, और ब्लॉग को एंड मैं से नॉर्मली कर सकती थी कि चलो गाइस बाय रखती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा प्रॉपरली आपसे लोग से बात करना था, हम लोग आए थे कितने बजे, 12:30 बजे आए थे ना, 12:30 एक बज गया था घर के अंदर, मतलब बेड के बेड पे बैठते बैठते, और उसके बाद चेंज करते करते 2-3, और सोते सोते कम से कम हम लोग 3-4 बजे सोए, अभी बज रहे 9 बज रहे 9:30, ठीक है, बहुत सारा हेट, मतलब ऐसा लग रहा है खुद के घर पे शादी है, वैसे तो मतलब घर का ही शादी है, बट एक होता है खुद के घर पे, हमारे घर में तामझाम नहीं हुआ है, ये बस ये डिफरेंस, पर घर का ही शादी है, मतलब और समझ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देख के लग रहा था ना वो कूद रहे थे, अब निकलो अब निकल जाओ क्या, अब जाऊं क्या, मतलब भैया बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, उनका कुछ क्लिप्स मैंने लिया है छुपके, जो कूद रहे थे ऐसे भैया ना, हम लोग के सामने ना एकदम होता ना अपना बन के रहते हैं, खुल के रहते हैं, ये नहीं कि सीरियस वे में, नो बहुत अच्छे हैं भैया, और जो हम लोग भैया मतलब हम लोग के जीजा जी होने वाले जीजा जी है, अभी हुए नहीं है, 1-2 साल बाद हो गए, एंगेजमेंट हो जाएगा, रुको बीच में क्लिप छोटा सा आप लोग को दिखा होगा, समझ में नहीं आया ये एंगेजमेंट मुझे बोले क्या चली गई, क्योंकि राहुल भैया के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था ये बोलने का कि प्रॉपरली बैठ के उस चीज़ को बताने का कि इंगेजमेंट क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों तय हुआ, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, बिकॉज मेरी दीदी के ब्लॉग में तो आप लोग देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई कर दे रही हूँ कि इंगेजमेंट अचानक से राहुल भैया आ रहे थे, राहुल भैया का छुट्टी मिला, मन हो गया कि भाई इंगेजमेंट करना है, मतलब ऑफिशियली बनाना है, छुट्टी मिला तो बोलो राहुल भैया ने अंकल आंटी से बात किया, अपने मम्मी पापा से बात किया, तो अंकल आंटी ने बोला कि नहीं पंडित से पूछे, पंडित जी से बात हुआ, और हो सकता है ये जब व्लॉग मतलब हम जिस दिन हम लोग का है तिलक के दिन का 3 दिन पहले ये चीज तय हुआ है, तय हुआ है हम लोग का यहाँ पे फिक्स हुआ है कि दीदी और भैया का एंगेजमेंट होने वाला है, जिस दिन आपका दीदी का लहंगा वाला वीडियो देखना देखा होगा ना, उसके एक दिन पहले वाला रात को, मतलब रात को तय हुआ है, अंकल आंटी घर पर आए थे, व्लॉग हम लोग नहीं ले पाए, हम लोग के लिए खुद सरप्राइज था, और अंकल आंटी ने बोला कि नहीं ये व्लॉग में भी मत जाना, मतलब तुम लोग व्लॉग सब लोग तुमको मारेगा, तुम अच्छे से बैठ के बताना, हाँ तुम लोग अच्छे से बैठ के बताना,
तो हम लोग के लिए सरप्राइज था। दीदी ने इतना नर्वस हो गई थी ना, ये चीज़ ब्लॉग में नहीं ले पाई, मतलब एक होता है ना दीदी को था कि क्या मेरा एंगेजमेंट है, समझ आ रहा है ये वाला चीज़। तो उसके बाद राहुल भैया ने दीदी को ये किया कि हाँ निशा अनु का एंगेजमेंट है, अब जाओ तुम लहंगा खरीदो अपने लिए, एक अच्छा लहंगा खरीदो, जो तुम खरीदी हो वो नहीं पहन सकती, कुछ अच्छा खरीदो। दीदी पहनने वाली थी जो पिंकी थी पहनेगी अपने रिसेप्शन में ना, मतलब भैया के रिसेप्शन में पहनेगी दीदी के एंगेजमेंट में, तो अब तो वो लहंगा क्या एज हम लोग क्या कर लिए, दीदी वाला मैं ले ली और दीदी ने खरीद लिया। मेरा सेम है, गंजन का मेरा सेम, मेरा बहुत ऑसम। और हाँ मैं आपको बता दूं ये ब्लॉग ज़्यादा दीदी देखेगी नहीं, ठीक है मुझे देखेगी क्या ये ब्लॉग जाएगा, बट आई थिंक एंगेजमेंट के बाद जाएगा क्या, हाँ नहीं पता जो भी जाएगा, पर दीदी दीदी देखे दीदी इतना ज़्यादा बिजी रहेगी कि देखेगी नहीं। मैंने और गुंजन ने, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई मेहनत नहीं है, मैं आपको बता दूँ गुंजन ने मेहनत करके दीदी और भैया के लिए छोटा सा हैंडमेड गिफ्ट तैयार किया है। हैंडमेड आइडिया जो था ना, कुछ कुछ ऐसे नहीं करो वैसे करो वो सब लगा है, मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैं सच बोलती हूँ ठीक है, इस घर में मैं ऐसे इंसान हूँ जो है वैसे मुंह पे, गुंजन ने सब कुछ नहीं, गुंजन ने पूरा 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 वो चीज खुद से किया है। 3 दिन के अंदर मेरे को हेडेक हो गया था, खोज के ऑर्डर करवाना, ऑर्डर मैंने कर दिया, ये काम मैंने किया है। पैसे भी गुंजन ने जो जमा किए थे ना पापा से, 1-1 रुपया 10-10 रुपये ले लेके वो पैसे लगा के गुंजन ने खरीदे। मेरे को बोलती नहीं दे दीदी तुम मत दो, मैं दे दूंगी मैं दे दूंगी, बिकॉज ऑफकोर्स मुझे हिसाब होता ना कि खुद अभी पैसे ऐसे मेरे पास रहता नहीं है, मुझे जाना नहीं है, मैं रखती भी नहीं पैसा उसका, ऐसे वैसे वो जाती है जिम ना तो बहुत खर्चा हो जाता है। मैं बार बार देख रही हूँ कि दीदी सुनने ले रही है, अभी पता चल जाएगा नहीं तो। तो दीदी के लिए एक हैंडमेड गिफ्ट गुंजन ने तय किया है, तैयार किया है, और मुझसे जितना हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है, अच्छा हुआ है, इट्स टू ब्यूटीफुल यार, टू ब्यूटीफुल। और मैं उसको एकदम अस्थिर होकर अच्छे से दिखाऊंगी, आप लोग बताना यार कैसा बना है, और दीदी को वो गिफ्ट करी। तुम वो बॉक्स को पैक कियो? नहीं वो बॉक्स का सामान कल जाए, 7 तारीख को जाएगा, सब लेकर आएंगे। अभी बिल्कुल अभी मैं कहीं भी निकलूंगी ना, राहुल भैया पूछेंगे कहाँ जा रही हो, या फिर दीदी पूछेंगे कहाँ जा रही हो, तो बिल्कुल भी निकलना पॉसिबल नहीं। मंगवा दो, बट अभी तो घर पे भी तो नहीं, मैं देखती हूँ कैसे कैसे करना है, बट वो गिफ्ट मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। अब बहुत मतलब मैं कितना जिस दिन हुआ था ना उस दिन रात को सुबह तक मेरा पिंक दी बैठे हैं क्या करे क्या करे, अब तो मेन हो गया है ना। अच्छा अच्छा ये ब्लॉग थोड़ा लंबा चल जाने वाला है, बिकॉज इतना बकबक कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज बहुत सारे चीज आपको मिल रहे, तिलक मिल रहा है, दीदी के एंगेजमेंट का न्यूज मिल रहा है आप लोग को अचानक से, स्किप नहीं करना, इसमें हर एक एक मोमेंट में अलग अलग सरप्राइज। अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट्स नॉट ईजी, इतना ज़्यादा मैंने होता है ना क्लिप्स ऐसे ब्लॉग बनाना, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ चलो ठीक है क्लिप्स ही ले, नो इट्स नॉट ईजी, बहुत टफ है। मेरी बहना ने कितना मेहनत करके दीदी का ब्लॉग कर दिया, इतना भीड़ था ना कि पिंकी दीदी को बैठना पड़ा, क्योंकि मतलब वो चलेगी ना तो इतना सारा वायर रखा है, कैमरा मैन है जो फोटोशूट कर रहे हैं, मतलब दम ही भीड़ था। तो मैं क्या कि मेरे हाथ में 4 फोन था, राहुल भैया का, दीदी का, मम्मी का और तुम्हारा, हम 4 फोन का क्लिप ले रहे अलग अलग, मतलब सोचिए मेरे मेरे पर कितना हेडेक है, आप सब सोच रहे हैं। बात है दीदी पे सबका नजर था ना, क्योंकि दीदी का होने वाला एंगेजमेंट, सब दीदी को देख रहा, दीदी था एकदम क्या हुआ ना, भैया ना दीदी को पकड़ के बैठे कि नहीं तुम मेरे साथ ही बैठे, वो तो नर्वस शादी हो रहा है, तो अब दीदी के डर के मारे उसका स्माइल रुक के नहीं रहा, स्माइल रुक के कहीं खड़ा फोटो खराब ना जाए, फिर वैसे हंस रही है हंस रही है हंस रही उठते मेरे डर दे रही हंसते हंसते। चलो ठीक है, हम इस ब्लॉग में एंड करते हैं, और बहुत सारा प्यार देना, बिकॉज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बहुत ज्यादा ना नहीं हो रहा है क्लिप्स लेना, सब भीड़ लगा, फिर हटिए आंटी हटिए क्लिप्स लेना, हम लोग ऐसे करके क्लिप्स ले रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, वहाँ पे जो दीदी के माँ पापा है ना वैसे नहीं कि क्या कर रही है वैसा कुछ नहीं है, सबको हम लोग बोल रहे हैं मूड देख के हम लोग क्लिप्स ले रहे हैं, मूड खराब ही नहीं हो रहा है, बोलो बोले यहाँ से कुछ लो लो लो, वहाँ पे कोई कुछ भी सोचे क्लिप लो, इतना कर तुम क्लिप्स लो। ठीक है हम लोग इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज सब्सक्राइब बहुत लाइक ब्लेसिंग्स करो, कमेंट्स करो कि आपको ये सरप्राइज कैसे लगा, और मेरी दी को ब्लेसिंग्स दो कि वो जो एंगेजमेंट, अभी शादी नहीं होने वाला बट जो एंगेजमेंट होने वाला है तो अच्छा से हो जाए, अच्छा से शुरुआत हो रहा है, तो दीदी का लाइफ अच्छा अच्छा जाए, कुछ खराब ना हो, और बहुत सारा प्यार दे रहा मेरी दीदी को, दीदी और राहुल दोनों के लिए करना, दोनों के लिए। बाय एवरीवन, बाय बाय।